नमस्कार, मैं कृष्ण बिहारी पाठक जन सरोकार मंच के माध्यम से आज की इस वार्ता में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदी दिवस पर आज की विशेष वार्ता मिजोरम में हिंदी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा और उसके साहित्य के संरक्षण, संवर्धन, समुन्नयन की चर्चा और चिंताओं के बीच एक महत्वपूर्ण विमर्श यह भी है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा और उसके साहित्य की दशा दशा क्या है, कैसी है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं और क्या संभावनाएं हैं। इन सब चर्चा और चिंताओं को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हिंदी तर भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा के लिए सतत रूप से काम कर रहे दो सारस्वत विद्वान आज उपस्थित हैं, जिनके साथ हम मिजोरम में हिंदी शीर्षक को लेकर चर्चा करेंगे। दोनों सारस्वत विद्वानों से एक बार मैं आप सभी का परिचय करा देना चाहूंगा। एक हैं आदरणीय मैम डॉक्टर कैथी रोहलपुई जी और दूसरे हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी। आप दोनों गुणीजन का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर कैथी मैम और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, वार्ता की शुरुआत में मैं सबसे पहले इस वार्ता को अभी सुन रहे या बाद में भी जो लोग इसको सुनेंगे उन सबके बीच इन दोनों सारस्वत विद्वानों का परिचय करा देना चाहता हूं। यद्यपि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक परिचय के माध्यम से मैं इस पटल पर आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा। डॉक्टर कैथी रोहलपुई जी, आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बनस्थली विद्यापीठ में हुई और सन 2000 में हिंदी साहित्य में आपने एमए की और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपने नेट यूजीसी द्वारा आयोजित होती है वो आपने उत्तीर्ण की है और बीएड की उपाधि भी आपने उत्तीर्ण प्राप्त की है। 2019 में आपने शोध मिजोरम विश्वविद्यालय से किया, पीएचडी की, और आप संप्रति गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों में बलसनामा में सामाजिक चेतना नामक कृति के आप रचनाकार रहीं और मिजोरम हिंदी प्रचार सभा के एकेडमिक बोर्ड के सचिव रह चुकी हैं। स्थानीय टीवी नेटवर्क्स एलपीएस विजन में आप हिंदी समाचार वाचक भी रह चुकी हैं। कक्षा 5वीं से 8वीं तक के लिए हिंदी गाइड बुक का निर्माण में आपका महती भूमिका रही है और कक्षा 3री से 8वीं तक के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण समिति के आप सक्रिय सदस्य भी हैं। इग्नू आइजोल में आप लोकल एकेडमिक एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही हैं और हिंदी अध्यापकों के लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू में आप एक्सपर्ट मेंबर के रूप में भी सक्रिय रही हैं। आइजोल के दूरदर्शन केंद्र द्वारा प्रसारित लाइव परिचर्चाओं में आपने कई बार भाग लिया है और कई रिफ्रेशर्स और ओरिएंटेशन कोर्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप रिसोर्स पर्सन या संदर्भ व्यक्ति के रूप में काम कर रही हैं। कई प्रकार के वर्कशॉप, ट्रेनिंग, सेमिनार आप में आपने शोध पत्र में प्रस्तुत किए हैं और इस तरह से एक व्यापक साहित्यिक वितान हिंदी तर भाषी क्षेत्र में हिंदी को लेकर आपका साथ है। हमारे साथ दूसरे विद्वान डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, मेरे बड़े भाई से के समान ही हैं और बिल्कुल बड़े भाई हैं, समान क्या, तो मैं उनका भी परिचय मंच के माध्यम से करा देना चाहता हूं। डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी वर्तमान में मिजोरम विश्वविद्यालय, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है आइजोल में, उसमें हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से अजमेर से एमफिल की है और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर से आपने पीएचडी की है। साहित्यिक श्रृंखला में आपकी हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर बद्दी प्रसाद पंचोली जी पर केंद्रित एक मोनोग्राफ जिसे राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशित हुआ है 2019 में। डॉक्टर बद्दी प्रसाद पंचोली जी पर केंद्रित ग्रंथ लोक और वेद आप उसके संपादक हैं, जिसका अनामिका प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशन हुआ। सहजता की भव्यता शीर्षक एक कृति जो मृदुला सिन्हा जी के जीवन पर केंद्रित थी उसमें आपने संपादन सहयोग किया है और एक बहुत सुंदर कविताओं का आपका संग्रह कलम करे अभिषेक, ये अर्चना प्रकाशन अजमेर से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा आपकी कई संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई व्याख्यानों में आप आमंत्रित हुए हैं, देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप और पुस्तकों में आपके शोध आलेख और अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं और निरंतर हो रहे हैं।
कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन और संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता रहती है। 5 वर्षों का आपका स्वतंत्र पत्रकारिता लेखन का भी एक अनुभव रहा है और साहित्यकारों का इंटरव्यू, हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मॉडल पेपर में आपने तैयार किए हैं पत्रकारों के लिए और विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में जो आयोजित हुआ था उसमें आपकी भागीदारी थी। आप मूलतः राजस्थान में श्री महावीर जी के पास महसवा गांव में आपका जन्म हुआ है, करौली जिले से आप संबद्ध रहे हैं और वर्तमान में आप मिजोरम में कार्यरत हैं। तो ऐसे दोनों सारस्वत विद्वानों का इस मंच पर पुनः स्वागत है और अब हम आज की चर्चा मिजोरम में हिंदी पर वार्ता शुरू करते हैं और मैं वार्ता की शुरुआत डॉक्टर कैथी मैम से अपने प्रश्न के साथ करना चाहूंगा। तो इससे पहले मैं प्रश्न की शुरुआत करूं, इस मंच पर आप दोनों गुणीजन का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। डॉक्टर कैथी मैम से मेरा पहला प्रश्न यही है कि मिजोरम की सामान्य परिचय से आप जरा हमें अवगत कराएं कि वहां की क्या किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। डॉक्टर कैथी मैम। आप सभी को नमस्कार। इस मंच पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया मिजोरम के बारे में, इसके लिए मैं आप सभी विद्वान जनों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मिजोरम के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो मिजोरम है वो 1972 तक असम राज्य का एक जिला था, फिर 21 जनवरी 1972 को ये असम से पृथक होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था, फिर फरवरी 1987 में ये देश का 23वां स्वतंत्र राज्य बना। भारत का 23वां राज्य मिजोरम पर भी अंग्रेजों का क्या है शिकंजा जो है वो बहुत दिनों तक रहने के कारण यहाँ ईसाई धर्म का प्रभुत्व और प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ा। और मिजोरम का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं बताना चाहूंगी कि जो मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है वो पहाड़ी आदमियों की भूमि, मतलब मी का मतलब होता है आदमी, रम का मतलब भूमि होता है, तो जो का मतलब पहाड़ी, तो पहाड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिजो कहा जाता है। तो मिजोरम का अर्थ हुआ पहाड़ी आदमियों की भूमि। इस प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, म्यांमार और बांग्लादेश को स्पर्श करती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,085 वर्ग किलोमीटर है और सन 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर 10,91,014 मतलब यहाँ की जनसंख्या है, मतलब कहने का मतलब वहां की एक मोहल्ले के बराबर है मिजोरम की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा नहीं है। मिजोरम में लुशाई, राल्ते, मार, पांग और मरा, पैते, कुकी, बोम आदि प्रमुख जनजातियां यहाँ पर निवास करते हैं। सामूहिक रूप से यहाँ के निवासियों को लुशाई की एक उपजाति है मिजो कहा जाता है। लुशाई की एक उपजाति मिजो यहाँ के सभी मतलब हम सब कहते हैं कि हम सब मिजो है, लेकिन हमसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है तो हम बोलते हैं जैसे कि मेरी भी जाति नमते है तो मैं नमते बोलती हूँ। किसी की राल, किसी की जाति होता है रालते, किसी की पांग, बोम, ये सब जाति होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने एक ये समष्टि रूप से एक जाति को अपना लिया है, उसको हम लोग मिजो बोलते हैं। वो लुशाई की एक उपजाति का नाम है। तो यहाँ मिजोरम में रहने वाले सभी लोग हम लोग अपने आप को मिजो कहते हैं। बहुत पहले विद्वानों का कहना था कि मिजो लोग मंगोल जाति के वंशज से, इतना होने पर भी मिजो जनजातियों के कबीले अपनी परंपरा तथा रीति रिवाज को भुला नहीं पाए हैं। मिजोरम की जनजातियां पितृ सत्तात्मक है,
कई जगहों की तरह पितृ सत्तात्मक है। कबीले का मुख्य ही वहां का प्रधान होता है। यहाँ जो कबीले में रहते थे उनका जो मुख्य है यानी जो राजा है वही प्रधान होता था। ये जनजाति स्वभावतः सीधी और सरल, मिजो वाले बहुत सीधी और सरल होते हैं। परस्पर सहयोग की भावना इसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। ये यहाँ तक मैं मिजोरम के बारे में जो परिचय है इतना मैं देना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार मैम, आपने बहुत रोचक ढंग से मिजोरम की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषागत पृष्ठभूमि से हमें अवगत कराया। आपने बहुत रोचकता के साथ बताया कि नी का अर्थ आदमी है, रम का अर्थ भूमि है और जो का अर्थ पहाड़ी है, और पहाड़ी क्षेत्र का जो जीवट और सरलता जो आपने बताई वो वाकई, कई बार मैं आदरणीय अखिलेश भाई साहब से जब बात करता हूँ तो ये इस बात का बार बार उल्लेख भी करते हैं और रेखांकित भी करते हैं जो आपने बताई कि वहां का जीवन किस तरह से जीवट भरा है और सरल और सादगी भरा है। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप राजस्थान की भूमि से हैं जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास की नींव जहाँ से लगती है, शुरुआत जहाँ से होती है, और वहां से आप मिजोरम हिंदी तर भाषी जो क्षेत्र है वहां पर अब काम कर रहे हैं। तो मिजोरम में हिंदी भाषी शिक्षक के रूप में आपका कार्य करने का जो अनुभव है उस पर कुछ बात रखें आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी। जी सभी को नमस्कार। इस मंच के सूत्रधार के रूप में डॉक्टर कृष्ण बिहारी पाठक जी हमारे बीच जुड़े हैं और साथ में देवेंद्र जी भी जुड़े हैं। देवेंद्र जी इस पूरे कार्यक्रम की नींव में हैं। हमारे इस संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर कैथी मैडम आइजोल मिजोरम से हमारे बीच में जुड़ी हैं। विषय सुस्पष्ट है और चूंकि कैथी मैम ने वह संक्षिप्त में और एक अच्छे संवाद के क्रम में मिजोरम का परिचय दिया, तो ठीक ऐसे ही आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिजोरम विश्वविद्यालय में अध्यापन करने का यह अवसर मिला, सौभाग्य मिला, तब से लेकर 2019 से लेकर अभी तक एक शिक्षकीय जीवन के रूप में जो अनुभव एकत्र हो पाए हैं वे, उनमें सकारात्मक बातें ज्यादा हैं, उनमें सकारात्मक सुखद के जो पहलू हैं वे ज्यादा हैं। मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में होती है, 2010 में मिजोरम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुलता है, तब से लेकर के मिजोरम विश्वविद्यालय में 5 शिक्षक हिंदी अध्यापन में रत हैं। हम यहाँ 2019 में आते हैं, उससे पहले यहाँ पर 4 शिक्षक रहे और उस क्रम में एक मिला जुला अनुभव यहाँ से हमें संचेत होता है, हमारे पास में एकत्र होता है। इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम विश्वविद्यालय अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन कर रहा है और मिजोरम अहिंदी भाषी प्रदेश होने के नाते जहाँ पर राजकाज की भाषा अंग्रेजी है और ऐसे क्षेत्र में, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, हिंदी के अध्ययन अध्यापन को लेकर के जब कोई भी शिक्षक देश के अन्य प्रदेश से मिजोरम में आता है तो उसे स्वाभाविक रूप से भाषा के स्तर पर अपने आप को बहुत मजबूत करना होता है। लेकिन हिंदी शिक्षक के तौर पे जब हम 2019 से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं, हमें हिंदी को लेकर कोई दुराग्रह नहीं मिलता है। हिंदी शिक्षक के तौर पे आपको जितना मान सम्मान, जितना प्रेम स्नेह ममत्व जो मिलना चाहिए वो मिला और मिलता है। जिस तरह की चुनौतियां अन्य प्रदेश में या कई बार सुनने को हमें मिलती हैं कि आप इस प्रदेश से हैं और वहां आपको इस प्रकार के कई बार जो है ऐसी कुछ चीजें आपके सामने खड़ी होती हैं, ऐसा मिजोरम के पूरे इस 5 साल के अनुभव में हमें कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। हिंदी शिक्षक के तौर पे आपकी स्वीकारता होती है और सबसे अच्छी बात जो ये लगती है कि यहाँ की बोलचाल की भाषा मिजो है, कहती मैं कह ही रही थी राजकाज की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन फिर भी जब आप कहीं भी किसी से संवाद करते हैं तो आपको देख के वो सहज ही हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। यह यहाँ का एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक पहलू है, आपको देख करके वो हिंदी बोलने की टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी शिक्षक के तौर पे संपूर्ण, अगर मैं अपने पिछले 5 वर्ष के
पूरे शिक्षकीय अनुभव को रेखांकित करता हूँ या उल्लेख करता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ, तो मुझे वहां से उन विद्यार्थियों की वो बातें याद आती है कि वो किस प्रकार अपनी क्लास में आकर के हिंदी सीखने की प्रति उनकी इच्छा जागृत होती है, भले ही उनमें ग्रामेटिकल व्याकरणिक अशुद्धियां मिल जाएंगी, लिंग दोष मिल जाएगा, लेकिन हिंदी सीखने की जो उनकी इच्छा है, हिंदी बोलने की जो उनकी आत्म प्रेरणा है, हिंदी के साथ ढलने का जो उनका आत्म अनुशासन है, हिंदी के साथ जीने का जो उनका सलीका है, हिंदी भाषी लोगों के साथ में संवाद करने का जो उनका एक सहज ढंग है, वो निसंदेह मिजोरम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को मन को भाएगा, रुचिकर लगेगा। ये तमाम बातें जब सामने आती हैं और फिर हिंदी शिक्षक के तौर पे जब आप मिजोरम के अन्य प्रदेशों में कहीं यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, प्रवास करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तब आपका पहला परिचय वहाँ हिंदी शिक्षक के तौर पर होता है, तो वो आपको उसी सम्मान, उसी मान और उसी प्रेम के साथ में आदर भी देते हैं और आपको प्रेम भी करते हैं। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी को यहाँ के लोग जो हैं पूरे देश की एक संवाद की भाषा या देश को एक सूत्र में बांध देने वाली भाषा के रूप में भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं और जानते हैं और सीखना चाहते हैं। उनका ये उद्देश्य होता है, उनकी ये दिन में ललक होती है कि हिंदी के माध्यम से हम देश से जुड़ सकते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर के जब हम अपनी क्लास में जाते हैं, और एक और अच्छी बात यह भी है कि हमें हिंदी शिक्षक के तौर पे जो विद्यार्थी मिलते हैं वो हिंदी के मिलते हैं, यानी मिजोरम विश्वविद्यालय के अन्य विभाग में जब हम संवाद करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ अंग्रेजी या मिजो भाषा में हमें अपनी बात रखने के लिए वो आमंत्रित करेंगे, लेकिन हिंदी विभाग के शिक्षक होने के नाते यह गर्व मान लीजिए या एक अच्छा पहलू मान लीजिए कि हमारे सामने जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे जिनसे हम संवाद कर रहे हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो हिंदी में ही बात करने वाले हैं, तो उनसे मिजोरम के उन हिंदी के विद्यार्थियों से हिंदी में बात करना, हिंदी के विषयों पर लेखन की कुछ चीज़ों को बात करना हमें सुखद भी लगता है। उनकी जो आग्रह होता है, उनका जो आत्म अनुशासन होता है, उनका जो हिंदी में बोलने की जो ललक होती है, वो हमें हम कह सकते हैं कि हमें खुद आत्म प्रेरित करती है, हमें इस कसौटी पर कसने को आमंत्रित करती है कि हम उनमें हिंदी की ऐसी और कुछ ललक जगा सकें या उन्हें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सके या दिला सकें जिससे वो वहां से और अपने आप को आगे समृद्ध कर सकें। ये तमाम हमारे शिक्षकीय जीवन के अनुभव हैं। इसी के साथ जब हम हिंदी साहित्य, भाषा, व्याकरण, काव्यशास्त्र के अन्य अन्य विषयों को लेकर उनसे संवाद करते हैं, हाँ हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां हम हिंदी के उस पूरे हिंदी क्षेत्र को छोड़ करके, लांग करके देश के पूर्वोत्तर भारत के इस क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर जो जो अपेक्षाएं हम उन विद्यार्थियों से करते हैं, उस हिंदी क्षेत्र से करते हैं, ऐसी अपेक्षाएं हमें यहाँ के विद्यार्थियों से नहीं पालनी चाहिए। यदि उनमें हिंदी सीखने के प्रति, हिंदी लिखने के प्रति, हिंदी पढ़ने के प्रति, हिंदी जानने के प्रति अगर उनमें 1% भी लालसा उनके मन में हम जगा पाते हैं, जाग पाने की उन्हें प्रेरित करते हैं, तो ये हिंदी शिक्षक के तौर पे उन हमारी भूमिका निसंदेह मुझे लगता है कि रेखांकन करने वाली या सराहनीय होनी चाहिए। और उन्हें जहाँ कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा हो, कोई ऐसी दिशा नहीं मिल रही हो, जहाँ वो अपने आप को मजबूत नहीं पाते हैं, ठीक उसी दिशा में उन्हें एक मजबूती, उन्हें संबल मिल सके, यही हिंदी शिक्षक के तौर पे हमारी भूमिका है भी और होनी भी चाहिए। हिंदी के इतने सारे आयाम हैं, उन आयामों में से एक आयाम में भी अगर मिजोरम के विद्यार्थी, मिजोरम में हिंदी सीखने वाले अपने आप को समृद्ध कर पाते हैं, तो इससे बड़ी हिंदी शिक्षक के रूप में भूमिका नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी और अच्छी बात आपने कही। यदि हम एक कदम भी उस क्षेत्र में विद्यार्थी को उस रूप में रोचकता के साथ, गंभीरता के साथ उस विषय से जोड़ सकें, तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उसे गिना जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात आपकी वार्ता में जो आई कि मिजोरम में विद्यार्थी या सामान्य नागरिक हिंदी के प्रति उसके मन में एक स्वागत का भाव है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और यही बात हमें आश्वस्त भी करती है कि हिंदी तरभाषी क्षेत्र मिजोरम में हिंदी के लिए अपार संभावना और उनका द्वार खुला हुआ है।
हमारे साथ डॉक्टर कैथी मैम भी जुड़ी हैं और आप भी चूंकि शिक्षण के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए मिजोरम में सरकारी स्तर पर जो हिंदी शिक्षण की स्थिति है उस पर आपका क्या कहना है? ये सरकारी स्तर पर जो हिंदी शिक्षण है वो 1960 के बाद मतलब उसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है। ये मैं सोचती हूँ कि भारत के राष्ट्र एकीकरण के लिए भाषाओं की महत्वपूर्ण मतलब भूमिका होती है और संविधान की धारा 351 में केंद्र सरकार सक्रिय रूप से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम जो है वो उठा रही है। इस प्रयोजन का जो केंद्र सरकार के ये जो प्रयोजन है धारा 351 में जो केंद्र सरकार के सक्रिय रूप से जो मतलब कार्य कर रहे हैं, तो उसमें उस प्रयोजन का जो लक्ष्य है वो राज्य स्तर पर हिंदी का एक तो प्रचार प्रसार करना है और केंद्र स्तर पर हिंदी का राजभाषा के रूप में क्रियान्वयन जो है वो है। तो वसुधा हिंदी भारत में राष्ट्र एकता के संवर्धन के अलावा हिंदी की एकेडमिक जो कार्यकलाप है उसको बढ़ावा देना जो है वो इस प्रयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। जैसा कि शैक्षिक कार्यकलाप का भार जो है वो राज्य सरकार है, इसीलिए भारत के सभी राज्य सरकार हिंदी के शैक्षिक कार्यकलापों को आगे बढ़ाने में केंद्र निधि प्राप्त करती है। उसके स्कूलों और कॉलेजों और राज्य सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन पाठन के कार्य में कामोवेश मतलब संलग्न है। मिजोरम भी इस नीति से मतलब अलग नहीं है और इस नीति के तहत मिजोरम में भी काफी हिंदी के प्रचार प्रसार में मिजोरम भी आगे बढ़ रही है। और जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा जैसे CSS है और सर्वा शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी और RMS है, इस तरह से मतलब कई स्कीम है उसके अंदर हिंदी जो शिक्षक है उसकी नियुक्ति भी काफी हो रहा है, जिस वजह से हिंदी का प्रचार प्रसार मिजोरम में काफी बढ़ रही है। तो सरकारी स्तर पर हिंदी शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अनौपचारिक हिंदी शिक्षण के प्रचार प्रसार के बाद 1952 से 1960 के दौरान मिजोरम में हिंदी शिक्षण का आरंभिक काल मतलब माना जाता है, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि 1952 से 1960 के जो बीच है वो मिजोरम में हिंदी शिक्षा के आरंभिक काल उसके इतिहास के रूप में देखा जाए तो उसका आरंभिक काल माना जा सकता है। कक्षा 5वीं से कक्षा 8वीं तक अनिवार्य रूप से हिंदी के पठन पाठन ने तृणमूल स्तर से हिंदी के उन्नयन के रास्ते मिजोरम में खोल दिए हैं। यहाँ पर 5वीं से 8वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। मिजोरम में हिंदी अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से उत्तर प्रारंभिक काल के दौरान एक नया मोड़ आया और 1960 के बाद यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों ने इस प्रदेश की और पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर दिया। इस अवधि में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होने आरंभ हो गए, क्योंकि 1960 के लगभग यहाँ पर कुछ राजनीतिक ये मिजोरम को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यहाँ पर कई वो झगड़े हुए और भारत सरकार के साथ युद्ध भी हुए। बहुत यहाँ पर भारत सरकार ने भी कई सिपाहियों को भेजा और यहाँ की कई बहू बेटियों का
मतलब जैसे इज्जत भी लूटी गई थी। तो उस समय में क्या था कि क्योंकि उस समय मिजोरम जो है वो दरअसल मतलब उसके इतिहास के रूप में यदि मैं बताऊं तो उस समय क्या है कि असम राज्य का एक जिला ही था मिजोरम जो है। तो मिजोरम में उस समय एक अकाल पड़ा था। तो उस अकाल में सरकार से जब मदद मांगी गई तो सरकार ने उनका मतलब नजरअंदाज किया और ये कहा गया कि हमें वहां के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जमीन जो है मिजोरम जमीन ही चाहिए, वहां के लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं। तो इस वजह से अलगाव जो है अलगाववादी जो गतिविधियां है वो मिजोरम में शुरुआत हुई। तो फिर उस अलगाव के कारण ये मिजोरम को अलग मतलब राष्ट्र अलग मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई नौजवान जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दिया और एक तरह से अलगाववादी जो स्थिति है वो आ गई और कई उनको आतंकवादी घोषित किया गया। और फिर उस वजह से उस समय जब भारत सरकार ने यहाँ पर सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों ने कई बहु बेटियों की इज्जत वगैरह लूटा तो उस समय जो सिपाहियों की जो भाषा है वो हिंदी थी। तो हिंदी के प्रति मिजो वालों के जो दिल है उसमें एक नफरत सा पैदा हो गया। तो हिंदी का विरोध उस समय बहुत ज्यादा मतलब हिंदी का विरोध जो है वो होने लगा। तो इसका मेन कारण जो है वो यही था। फिर लेकिन जब भारत ये जो अलगाववादी स्थिति है वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद मिजोरम भी एक नए ये क्या राज्य बना, उसके बाद तो हिंदी की जो है प्रसार प्रसार में काफी बदलाव आया, काफी उसमें क्या कि हमें भी वनस्थली में पढ़ने के लिए भेजा गया और हिंदी की शिक्षा हमें दिलाई और बहुत मतलब एमए तक हम लोगों ने वहाँ की पढ़ाई वहाँ पर हिंदी मतलब सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई शुरू मतलब किया था। तो इस तरह से कि जो अनौपचारिक हिंदी शिक्षा के प्रचार प्रसार जो है वो 60 के बाद ही मतलब माना जा सकता है। तो 1960 के बाद भारत सरकार द्वारा केंद्र हिंदी संस्थान की स्थापना द्वारा क्षेत्र में हिंदी के कार्यकलाप में तेजी से वृद्धि होने लगी। फिर 1960 के बाद यहाँ पर ये केंद्र हिंदी संस्थान जो है उसकी स्थापना आइजोल मिजोरम में हुई। तो उसके बाद जो हिंदी के कार्यकलाप है उसमें तेजी से मतलब वृद्धि होना शुरू हो गई और उसी के परिणाम ही हम लोग कहा जा सकता है कि मिजोरम में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न व्यक्तियों को शिक्षित प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाने लगी। पहले तो कोई बीएड और ये सब मतलब वो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन केंद्र हिंदी संस्थान ने यहाँ पर अपना एक शाखा खोला। उसके बाद से जो हिंदी में संलग्न व्यक्ति है उनमें ये प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो हिंदी के व्यवस्थित सरकारी शिक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन का ध्यान खींचने में इस संस्था ने महती मतलब भूमिका निभाई और सन 1972 में मिजोरम हिंदी प्रचार सभा अपने पेड़ों पर खड़ी हो गई। तो उस वर्ष में ही हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल स्टडी टीम की स्वीकृति के अनुसार मिजोरम में सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षक रखने की योजनाएं बनाई गई। प्रदेश के नेताओं के प्रयास की सफलता के परिणाम स्वरूप वर्तमान मिजोरम में हिंदी शिक्षकों की संख्या जो है वो 1235 से अधिक हो गई है और अक्टूबर 1975 को मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रतिष्ठा मतलब हुई।
अनेक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हिंदी के क्षेत्र में मिजो संतानों तुल्य मतलब विचारों का सृजन करके उत्थान का कार्य ये हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय कर रही है। और प्रगतिकाल के दौरान ही 1972 में मिजोरम सरकार के नेतृत्व में शिक्षा निदेशक की देखरेख में सहायक हिंदी शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति हुई। इसके बाद हिंदी की प्रगति की दिशा में यहाँ जो कार्य इस अवधि में हुए वे मिजोरम के हिंदी अध्ययन अध्यापन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा निदेशालय में हिंदी इकाई भी है। यहाँ पर डायरेक्टोरेट में हिंदी इकाई हिंदी यूनिट के रूप में एक इकाई है जिसमें एक उपनिदेशक है और दो हिंदी शिक्षा अधिकारी है और 13 सहायक हिंदी शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। इस तरह कार्य में गति आने लगी और उक्त सभी पद शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत हिंदी इकाई के रूप में है। इसका मुख्य कार्य हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी स्थानांतरण जैसे ट्रांसफर वगैरह उनकी देखरेख करना और जो हिंदी शिक्षक है उनकी अनुशासन उसकी उन सब कार्यों को सुचारू रूप से निपटाना होता है। इस अधिकारी जो हिंदी अधिकारी है उनका काम ये सब करना होता है। और मिजोरम में हिंदी को 5वीं से 8वीं कक्षा तक तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर तृतीय भाषा के रूप में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मिजो भाषा के बाद अंग्रेजी का स्थान आता है और तीसरी में हिंदी का आता है। और 9वीं और 10वीं कक्षाओं में भी तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। परंतु मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी MBSC जिसको हम लोग कहते हैं उसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी को स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि 10वीं में तो बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी को मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में स्थान नहीं दिया जाता है उसको ग्रेड के रूप में ही। ये हम लोग भी बहुत इसका हम लोगों ने विरोध किया कि इसको भी ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में एक परीक्षा में हिंदी को भी रखा जाए। इसके लिए हम लोग बहुत आवाज उठा रहे लेकिन मुझे आशा है कि एक ना एक दिन ये तृतीय भाषा नहीं बल्कि द्वितीय भाषा के रूप में अवश्य ही मिजोरम में भी हम लोग मतलब व्यवस्थित करेंगे। तो लेकिन MIL में इसको स्थान अभी प्राप्त है। मिजोरम में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे हम लोग SCERT कहते हैं तो उसके द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें जो है वो पढ़ाई जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कहूंगी मैं क्योंकि पहले तो हमारे सारे पाठ्य पुस्तक जो है केंद्र हिंदी संस्थान आगरा जो है वो हमें बना के देते थे लेकिन वहां पर क्योंकि उस पाठ्य पुस्तक में जो नाम लिया जाता था जैसे कि राकेश मोहन वगैरह वगैरह जो नाम लिया जाता था तो अब जो है SCERT मतलब शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें जो बनाई गई है उसमें नाम भी अपने लोकल नाम दिया गया और अपने मतलब जो स्थानीय चीजें हैं उसके बारे में हिंदी से पढ़ाने लगे जैसे हमारे वीर पुरुषों के बारे में वो सब जो है वो तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है और खुशी की बात है कि मैं भी उस पाठ पुस्तक निर्माताओं में से मैं भी एक हूँ ये मैं कहना चाहती हूँ। इन पाठ पुस्तकों का जो निर्माण है वो स्थानीय मिजो हिंदी महानुभवों एवं मिजो हिंदी प्रेमियों द्वारा मतलब किया गया है। उच्च कक्षाओं में यानी 11वीं और 12वीं कक्षाओं में भी हिंदी को
MIL के रूप में स्थान दिया गया है इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मिजो विषय के स्थान पर हिंदी लेने की सुविधा यहाँ पर है। तो जैसे कि जो लोकल लोग नहीं है वो लोग, उन लोगों के लिए भी जो जैसे कि यहाँ पर नौकरी के लिए जो बाहर से आते हैं उनकी बच्चे जो है वो लोग भी मिजो भाषा और अंग्रेजी नहीं लेना चाहने से भी हिंदी मतलब 11-12 में भी ले सकते हैं, ये यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के बारे में फिर मैं सरकारी स्तर पर हिंदी के जो विकास है उसको उसमें डाइट यानी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हिंदी एक विषय के रूप में उसमें पढ़ाया जाता है। तो मिजोरम सरकार द्वारा डाइट में प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी पढ़ाए जाने का प्रमुख कारण यह कि मिजोरम के प्रत्येक स्कूलों में कार्यरत हिंदी शिक्षक ही नहीं बल्कि आम जो शिक्षक है वो भी राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को समझे और मिजोरम में हिंदी के प्रचार प्रसार को गति मिल सके, इसलिए जो डाइट है उसमें जो ये टीचर्स के लिए शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थी है उनको भी जबरदस्त हिंदी मतलब पढ़ाया जाता है। कि जैसे कि यहाँ के स्कूलों में होता है कि हिंदी टीचर लीव लें मतलब लीव में रहें तो कोई भी शिक्षक हिंदी नहीं पढ़ा सकते, मतलब हिंदी शिक्षक शिक्षिकाएं जब लीव लेते हैं तो अन्य जो शिक्षक है वो हिंदी नहीं पढ़ा सकते। और इस तरह डाइट द्वारा जो कदम उठा रहे हैं वो भी एक तरह से बहुत ही सराहनीय है। और महाविद्यालयों में जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट आइजो कॉलेज है और कमला नगर कॉलेज है वो चोंगते में है, तो उसमें भी हिंदी विभाग खोले गए हैं जिसमें हिंदी विषय पर स्नातक डिग्री प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा मिजोरम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना जैसे कि अखिलेश सर ने कहा था कि ये 2010 में मिजोरम विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग की स्थापना हुई। उक्त विभाग MA, MPhil एवं PhD के पाठ्यक्रम संचालित करता है, वहां से अनेक विद्यार्थी जो है MA, MPhil, PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। ये विभाग मिजोरम में हिंदी के विकास एवं उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा कर रही है, निर्वहन कर रही है। मिजोरम विश्वविद्यालय एकेडमिक लाइन पर आयोजित की जा रही हिंदी संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों के अलावा भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में किए जा यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी के क्रियान्वयन के सभी कार्य बड़े ही द्रुत गति से संपादन किए जा रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि 16 अक्टूबर 1975 को राज्य सरकार और केंद्र हिंदी संस्थान आगरा के सहयोग से मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। ये महाविद्यालय केंद्र हिंदी संस्थान आगरा एवं राष्ट्र शिक्षा परिषद NCTI से संबद्ध महाविद्यालय है। यहाँ हिंदी प्रशिक्षण संबंधी निम्नलिखित 3 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है और हिंदी शिक्षण डिप्लोमा ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और हिंदी शिक्षण प्रवीण ये भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और हिंदी शिक्षण पारंगत ये भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया जाता है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले अध्यापक हिंदी भाषिक कौशलों पर उत्तरोत्तर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर योग्य और सफल हिंदी अध्यापक सिद्ध हो सके। इन समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन केंद्र हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है और राजधानी आइजोल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं
वो उसका केंद्र खोलने के कारण यहाँ पर हिंदी अध्ययन अध्यापन के लिए हिंदी विभाग भी यहाँ पर खोला गया है। इस विश्वविद्यालय द्वारा बीए एमए हिंदी शिक्षण के लिए आइजोल शहर में स्थित महाविद्यालयों को अध्ययन केंद्र बना दिया है। यहाँ से कई विद्यार्थियों ने हिंदी में कई उपाधियां प्राप्त करने हेतु प्रवेश लिया है। तो इस तरह सरकारी स्तर पर अनेक संस्था और अनेक स्कूल कॉलेज अभी संलग्न है और हम सभी के प्रयास से मेरे ख्याल से हिंदी द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। निश्चय ही हम सबके प्रयासों से हिंदी द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। हिंदी को लेकर उसका मिजोरम में इतिहास, उसका विकास प्रारंभ से लेकर अब तक, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, और जिस तरह से आपने बताया कि अतीत की घटनाएं, किस तरह से राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं भविष्य के किसी मार्ग को तय करती हैं, तो जो सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचार से हिंदी के प्रति जो वितृष्णा हुई थी और मिजोरम की उदात्त जनता ने उस घटना के बाद उससे ऊपर उठकर एक भाषा को बढ़ाने के लिए ये सारे कदमों में संलग्नता दिखाई, उनका साथ निभाया। एक और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जो पुस्तकें थी वो सीधे केंद्रीय हिंदी संस्थान या अन्य एनसीईआरटी आदि से आती थी, और अब उनमें स्थानीय संदर्भों को जोड़ते हुए लोकल हीरोज की बात है, लोकल भाषा की बात है, स्थानीय लोगों के नाम, ये सब चीजें वो हैं जो वास्तव में वहाँ के लोगों को हिंदी से मन से जोड़ने के लिए काम आएंगी। और आप बधाई के पात्र हैं कि आप उस पाठ्यक्रम निर्माण समिति से जुड़ी हुई हैं। हिंदी को लेकर मिजोरम में जो आपने जानकारी दी वाकई समृद्ध करने वाली है, और इसे वार्ता को जो अभी सुन रहे हैं आगे भी सुनेंगे, मिजोरम में हिंदी के शिक्षण को लेकर जो स्थिति है वाकई वो बहुत उपयोगी जानकारी आपके माध्यम से उन तक पहुंचेगी। मैं वार्ता को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि हिंदी में शोध को लेकर मिजोरम में क्या स्थिति है, उसकी दशा और दिशा कैसी है? डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। जी, पुनः प्रश्न की इस कड़ी में हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए कैथी मैडम ने मिजोरम में हिंदी शिक्षण की अतीत से लेकर वर्तमान तक की एक संक्षिप्त जानकारी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। उसमें उल्लेखनीय बातों के साथ हम हिंदी शोध की दिशा और स्थिति, वर्तमान दशा पे हम बात करेंगे, लेकिन उसमें मुझे कुछ जो याद आ रहा है कि विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, यहाँ जिस तरह से कहती मैम बता रही थी अभी कि हिंदी क्षेत्रों में जहाँ पहली क्लास से हिंदी पढ़ाई या हिंदी की पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, यहाँ पर कक्षा पांचवी से आठवीं क्लास तक हिंदी की पुस्तकें चलती हैं, जिसका उन्होंने उल्लेख किया। और उस उल्लेखनीय उनके उल्लेख के क्रम में यह भी निष्कर्ष निकल के आया कि यहाँ जो पुस्तकों का निर्माण हो रहा है, पहले जहाँ हिंदी संस्थान या अन्य बोर्ड के माध्यम से होता था, अब उसे मिजोरम के स्थानीय लोगों के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिससे वहाँ उन पुस्तकों में लोकल हीरोज की जो बात करते हैं, संवाद में जो हम कैरेक्टर चुनते हैं, पात्र चुनते हैं, वहाँ पर उनके नाम आएंगे, मोई मोया, इस तरह के नामों के साथ विद्यार्थी उनसे जल्दी जुड़ता है और उनके साथ फिर अध्ययन की गति बनती है। एक क्रम, एक बात यह है। मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा आपकी बात को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि बच्चों को क्षेत्रीय और स्थानीय संदर्भों से जोड़ा जाए। तो इस रूप में वाकई आप सही कह रहे हैं कि यदि स्थानीय संदर्भ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस भाषा से वहाँ के लोग अच्छे से जुड़ सकेंगे। जी, जारी रखें। जी, तो ये उल्लेखनीय बात उनके वार्ता या उनके संक्षिप्त जो संकेत बिंदु थे उनमें से निकल के आई। और फिर उसी के साथ हम देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर पांचवी से आठवीं तक हिंदी का अध्यापन होता है, तो एक हिंदी शिक्षकों का एक समूह वहां पे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन हिंदी शिक्षकों में मिजोरम के स्थानीय शिक्षक हैं जो विद्यालयों में कक्षा पांचवी से आठवीं तक हिंदी कराते हैं, वहां पर मिजोरम के स्थानीय शिक्षक हैं। उसके बाद जब हम यहाँ नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ उस तरह की पढ़ाई पूरे देश भर में होती है, ठीक वही क्रम यहाँ पे है। यानी अभी एक जो एक गैप बना हुआ है, उस गैप को भरने की अभी जो कोशिश होगी या होनी चाहिए वो संभवतः निकट भविष्य में होगी, जिसकी तरफ कहती मैं भी इशारा कर रही थी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो हम शोध की दिशा पे भी बात करेंगे, वहाँ हमारे पास में मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ उससे संबंधित जो कॉलेज हैं वो दो हैं, यानी एक मिजोरम विश्वविद्यालय के इकाई के रूप में काम करता है और उसके दो कॉलेज हैं जहाँ पर हिंदी में बीए की पढ़ाई होती है। एक यहाँ से कमला नगर एक जगह है चौंगते में, लगभग 10-12 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर एक यूजी की पढ़ाई होती है, बीए में हिंदी चलती है, और यहीं आइजॉल में गवर्नमेंट आइजॉल कॉलेज है जहाँ से कैथी मैडम है, वहाँ भी हिंदी में बीए की पढ़ाई होती है। इस दृष्टि से देखें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट आइजॉल कॉलेज और कमला नगर का कॉलेज, ये तीन ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान है। एक जिसका उल्लेख वो महाविद्यालय है, हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, वो हिंदी संस्थान से संचालित है। कुल मिलाकर के ये मोटा मोटा एक स्वरूप हमारे सामने है। लेकिन शोध की दिशा में, शोध के क्षेत्र में कहीं पर पीजी क्लासें नहीं होने के कारण मिजोरम विश्वविद्यालय में, सिर्फ मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एमए की पढ़ाई होने के कारण या वजह से यहाँ पर पीएचडी यानी वर्तमान में एमए और पीएचडी के दो कोर्स, दो पाठ्यक्रम संचालित हैं। तो 2010 से लेकर के 2024 तक इन 14 सालों में जो अभी 2020 तक एमफिल थी, उसके बाद एमफिल को बंद कर दिया, तो जो एमफिल यानी लघु शोध प्रबंध और शोध यानी पीएचडी जो हुई, उनमें मिजोरम विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की अहम भूमिका है। और सबसे अच्छी बात तो यह भी रेखांकित तो की जानी चाहिए, करने योग्य है कि मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से अब तक जितने लोगों ने एमफिल पीएचडी किया, उनमें 90% से 95% तक मिजोरम के स्थानीय विद्यार्थी रहे। लगभग 90% का आंकड़ा कैथी मैम उस पर स्पष्ट संख्या के साथ में हमारे सामने रख पाएंगी। यानी अधिक विद्यार्थियों की संख्या एमए के स्तर पे यदि देखते हैं तो एमए के स्तर पे तो लगभग 95% से अधिक विद्यार्थी मिजोरम के ही स्थानीय विद्यार्थी होते हैं जो यहाँ से हिंदी विभाग से एमए करते हैं, और वही विद्यार्थी फिर पीएचडी में अपना पंजीयन करवाते हैं। और जब उनके विषय चयन की बात आती है तो विषय चयन को तीन दृष्टिकोणों से देखा जाता है, परखा जाता है, मूल्यांकित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। उसके केंद्र में पहले मिजोरम रहता है और उस पहले केंद्र में हिंदी तो है ही, लेकिन हिंदी के फिर चारों तरफ केंद्र में मिजोरम रहता है। अब जैसे हम बात करें कि यहाँ कैथी मैडम है, उन्होंने जब अपना पीएचडी का विषय चयन किया, उनका शोध प्रबंध जमा हो चुका है, पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, तो उनका जो विषय था मिजोरम में हिंदी की दशा और दिशा, मुझे लगता है कि जिस विषय पर आज हमारी जो वार्ता हो रही है, इस विषय पर उन्होंने 2000 लगभग आज से 5-6 वर्ष पूर्व अपनी पीएचडी के कार्य को संपादित और संपूर्ण किया है। तो उस पूरे परिदृश्य को जो हम देखते हैं तो एक क्रम ही आता है कि मिजोरम में हिंदी के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं, जितने केंद्र तलाशे जा सकते हैं, उन तलाशे जाने वाले केंद्रों की भूमिका यहाँ पर निरंतर अब तक जारी है, एक विषय ये। दूसरी, शोध के लिए हमें एक पक्ष यह भी देखना होगा कि मिजो साहित्य में जो मिजो भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वो हिंदी भाषा या हिंदी पाठक या हिंदी जगत के सामने आए, तो उसके बीच में जो पुल बनाने का काम जो होगा, उसके बीच में जो सेतु बनाने का काम होगा, वह अनुवाद होगा। तो इस दिशा में भी अब कुछ काम होने लगे हैं, जिसे मिजो भाषा का जो साहित्य है वो हिंदी में ट्रांसलेट अनुवादित होकर के आए और हिंदी पाठक, हिंदी समाज उसे पढ़े और उस पर फिर शोध की संभावनाओं पर बात की जा सके, शोध की संभावनाएं वहां पर तलाशी जा सके। दूसरा केंद्र ये है। ठीक उसके साथ जब हम लोक साहित्य पर या लोक जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो मिजोरम का लोक साहित्य, लोक जीवन भी अपने आप में उल्लेखनीय है। तो वहां भी जैसे एक काम मिजोरम विश्वविद्यालय से यह भी हुआ कि मिजोरम की लोक कथाओं में मूल्य, मानव मूल्य को लेके हुआ, जैसे हम कह रहे थे कि कैथी मैम ने मिजोरम में हिंदी की दशा और दिशा को लेके काम किया, ऐसे कई काम यहाँ पर हुए हैं, हो भी रहे हैं। उसमें एक क्रम ये हुआ कि मिजोरम के लोक जीवन में लोक जो गीत हैं, लोक कथाएं हैं, वहां पर भी काम करने की अभी गुंजाइश है और काम हुआ भी है। यदि काम हुआ है तो मान के चलिए कि उसमें रास्ता बना है और लंबे तक जाने की संभावनाएं वहां पर है। तीसरा या दूसरे क्षेत्र जो हमने बात तो अभी की कि अनुवाद वाला काम भी यहाँ किया जाने लगा है, उसे शोध के केंद्र में रखा जाने लगा है, बस
हमें वहां पर सावधानी रखने की जो बात है वो ये है कि अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय, हम मिजो भाषा की उन संवेदनाओं को, उन भावबोध को कितनी संवेदनशीलता के साथ न्याय करते हुए हिंदी भाषा में ला पाते हैं, यह बहुत रेखांकन या रेखांकित करने वाली बात है। और उसे मुझे लगता है कि हिंदी में जो शोध कर रहे हैं मिजो भाषा और अनुवाद को लेकर के, वो इस बात को पहचानते हैं और इसीलिए ये एक सेतु का काम करेगा, पुल का काम करेगा हिंदी पाठक, हिंदी समाज मिजो भाषा में लिखे हुए साहित्य को पढ़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकेगा। और इसी के साथ एक शोध की संभावना का जो एक और विषय है, एक और जो केंद्र है, वो ये है कि अब तक जो मिजो से हिंदी में अनुवाद हुआ साहित्य है, चाहे वो नाट्य साहित्य है, चाहे लोक साहित्य है, चाहे भाषा का कोई भी विधा का साहित्य है, उसमें भी शोध की संभावनाएं हैं। ये चार आयाम या चार पैरामीटर या चार हम कह सकते हैं केंद्र हैं जहां पर मिजोरम में हिंदी की शोध की संभावनाओं को तराशा जा सकता है, उन संभावनाओं पर आगे तक दूर तक का रास्ता यहाँ के शोधार्थी पहचान सकते हैं या चल सकते हैं। और एक इस प्रकार का एक वातावरण भी यहाँ बनने लगा है कि लोगों के अंदर ये समझ आने लगी है कि हाँ, इस दिशा में हम काम करेंगे तो मिजो भाषा का ये साहित्य, मिजो भाषा की ये संवेदनाएं हिंदी पाठक समाज के सामने पहुंच पाने में समर्थ होंगी और समृद्ध भी होंगी। इस दिशा में जो बात एक और ध्यान आती है कि भले ही शोध के लिए, शोध के केंद्र के रूप में मिजोरम विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से पीएचडी और एमफिल तो चूंकि अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमए में प्रोजेक्ट वर्क और डेजर्टेशन, लघु शोध प्रबंध का एक पत्र विशेष रूप से चालू हुआ है, तो उन पत्रों में भी एमए के विद्यार्थी भी एमए के प्रथम सेमेस्टर से एमए के चतुर्थ सेमेस्टर तक एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, वहीं से उनमें शोध की रुचि को डेवलप किया जा सकता है और वो उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और फिर एमए के चतुर्थ सेमेस्टर तक आते आते उन्हें एक प्रश्न पत्र अलग से बिल्कुल उसका तय है और वहां वो एक डेजर्टेशन लिखते हैं, लघु शोध प्रबंध लिखते हैं जो शोध की उस नींव को मजबूत करता है। तो वहां भी ये इन जो चार विषयों की हमने बात की, वहां से उन विषयों को चुनकर भी एमए के डेजर्टेशन वर्क को भी वो संपादित करते हैं, संपन्न कर रहे हैं और उनमें अधिक संख्या मिजोरम केंद्रित है। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हिंदी तो है ही, हिंदी के साथ मिजोरम केंद्रित है, चाहे वो अनुवाद को लेके है, चाहे वो अंध साहित्य को लेके है, चाहे वो लोकगीत को लेके है, चाहे वो लोक कथाओं को लेके है। तो यह बात मिजोरम के पक्ष में है, मिजोरम के साथ सुखद एहसास कराती है कि शोध की संभावनाओं को लेकर एक दिन जब मिजो भाषा का साहित्य हिंदी में अनुवादित होकर के हिंदी पाठकों के समक्ष आएगा, यानी कि उस दहलीज पे भी खड़ा होगा, तो उससे हिंदी पाठक या हिंदी और मिजो भाषा के दोनों के बीच एक संवाद का सेतु बन सकेगा। मुझे इस विषय पर, इस प्रश्न पर इतनी ही टिप्पणी करनी थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यदि इस तरह की कार्य निरंतर होते रहे तो निश्चित रूप से वो सेतु का ही काम करेगा। और बहुत एक सुखद बात यहाँ पर आपने जो कही कि एमए के दौरान ही एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बच्चों को, विद्यार्थियों को जोड़ने का जो ये नया नवाचार चला है, ये वाकई यहीं से वो शोध के उसके अंदर अंकुरित कर देगा और वो आगे तक बच्चा उससे जुड़ा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी पहल के रूप में, और मैं समझता हूँ कि नई शिक्षा नीति की इस पहल को बहुत जल्दी से हिंदी भाषी क्षेत्र होने के बावजूद वहां ग्रहण किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगला प्रश्न डॉक्टर कैथी मैम से करना चाहूंगा कि मिजोरम में, चूंकि हालांकि आपने बताया कि भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर मिजो है और लंबे समय तक अंग्रेजी साम्राज्य रहा, फिर भी निश्चित रूप से हिंदी के रचनाकार भी वहां होंगे, तो मिजोरम में हिंदी के लेखक और रचनाकारों के ऊपर कुछ आप बताएं, वहां पर क्या स्थिति है इसकी? हाँ डॉक्टर जी, हाँ यहाँ पर मिजो मतलब लेखकों की जो मिजो भाषा भाषी जो लेखक है वो काफी हुए हैं, उनकी चर्चा सभी की चर्चा करना यहाँ संभव नहीं होगी इस मंच पर,
लेकिन कुछ कुछ आप उनका संक्षिप्त रूप से सभी का नाम उल्लेख भी करेंगे तो मुझे लगता है कि वार्ता में और एक पहलू जुड़ेगा। ठीक है, जरूर जरूर जरूर। ये मिजोरम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भारत के दूसरे स्थान पर है। आप सभी जानते हैं पहले स्थान पर कौन है और ये मिजोरम साक्षरता दर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। यहाँ का जो साक्षरता जो प्रतिशत है वो 94 मतलब प्रतिशत से भी ऊपर है। तो इसी शिक्षा और साक्षरता के कारण मिजोरम का वर्तमान समाज भारत का सबसे मतलब प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक व सामाजिक चिंतन से संप्रेरित समाज है। तो ईसाई मिशनरियों के आगमन से पहले मिजोरम में शिक्षा की कोई विधिवत मतलब व्यवस्था जो है वो नहीं थी और मिजोरम में जोलबुक शिक्षा प्रणाली जो है वही थी पहले तो। लेकिन 1894 में ईसाई मिशनरी ने पहला प्राथमिक विद्यालय खोलकर शिक्षा देने का कार्य शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जो शिक्षा है वो मजबूत उसका शिक्षा का मजबूत ढांचा जो है वो खड़ा हुआ और वर्तमान समय में यहाँ पर विश्वविद्यालय भी मतलब वो हो चुके हैं। और फिर हिंदी की शिक्षा के बारे में तो जैसे मैंने पहले बताया था 1960 के बाद आमूलचूल परिवर्तन आया और 1972 के बाद जब यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला उसके बाद हिंदी लेखन कार्य में भी काफी मतलब यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर लेखन कार्य शुरू हुआ। तो हिंदी भाषा मिजो भाषा भाषी जो रचनाकार है उसमें सबसे पहले मैं आर जहलैया के नाम लेना चाहूंगी। ये सबसे पहले जो हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं। तो फिर इसने इसको हम लोग हिंदी के पिता के नाम से भी आर जहलैया को जानते हैं और इन्होंने बहुत हिंदी सीखने की कई ये किताबें पुस्तकों का निर्माण किया। फिर उसके बाद हिंदी के पिता के रूप में ही हम लोग उसको आदर के साथ हम लोग नाम लेते हैं वीएल गा का। तो इस वीएल गा का ने ये नेहू शिलोंग से इन्होंने एमए और एमएडबी इन्होंने वहां से किया था। तो वीएल गा का जो है उन्होंने भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफी हिंदी के जो क्या है वार्तालाप के बुक्स वगैरह भी उन्होंने मतलब लिखा। और फिर मैं सी काम लोगों के बारे में जो पद्मश्री भी पद्मश्री उपाधि से उन्होंने नवाजा जा चुका है सी काम लोगों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाहूंगी। तो सी काम लोगों का जन्म जो है वो 1948 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी जो है वो फौजी में थे जिस वजह से इनका बचपन जो है वो जहां पर उनके पिता का ट्रांसफर होता था वहीं पर उनका मतलब बचपन उन्होंने बीता। और उन्होंने अपनी जो जन्म स्थल है मामपुई गांव है उसको छोड़कर उन्होंने 1952 में मामपुई गांव छोड़ दिया था। फिर अपने पिता के साथ वो अरुणाचल प्रदेश में चले गए। फिर वहां पर उन्होंने हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। फिर सन 1963 में वे भारतीय सेना में दाखिल हो गए। फिर उसके उसके बाद वो आगरा विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद केंद्र हिंदी संस्थान से इन्होंने निष्णात यानी एमएड जो है वो उपाधि प्राप्त की है। और 1973 में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य
करने लगे और 33 वर्षों तक मिजो विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने के बाद सन 2008 में सेवानिवृत्त हुए। प्रदेश में हिंदी शिक्षण को वांछित गति देने के लिए 1997 से 1998 तक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद पर चयनित हुए। अपने कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति, अध्यापन में पारदर्शिता लाने आदि के लिए तत्कालीन मिजोरम सरकार से कई बार बातचीत की, जिसके चलते आज कक्षा 8 तक हिंदी का अध्ययन अनिवार्य विषयों की सूची में शामिल है। मतलब सी काम लोगों के कारण ही है आज मिजोरम के स्कूलों में विद्यालयों में 8वीं तक अनिवार्य विषय में रखने का जो श्रेय है वो श्री सी काम लोगों जी को ही जाता है। यदि उन्होंने यहाँ के सरकारों से इतना निवेदन और इतना वो नहीं किया होता तो शायद आज 8वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय में हिंदी को नहीं रखते। और उन्होंने अपने जो कार्यकाल है उसमें महत्वपूर्ण हिंदी के जो विषय है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण कदम जो है उठाए वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। कक्षा 7 के लिए मिजोरम भारती 3 पाठ्य पुस्तक का उन्होंने निर्माण किया और हिंदी मिजो शब्दकोश 2 संस्करण उनका प्रकाशित हो चुके हैं और सरल हिंदी व्याकरण हिंदी और मिजो दोनों भाषाओं में समानांतर वो उनका जो पुस्तक है वो भी प्रकाशित हुए हैं। आओ मिलकर गाए हम तथा हम एक थे हम एक है देशभक्ति गीत है और मिजो जनजातियों का संक्षिप्त परिचयात्मक इतिहास उन्होंने लिखा और इसी वजह से उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। मिजो जनजातियों का संक्षिप्त परिचयात्मक इतिहास उन्होंने लिखा है। इसमें संपूर्ण मिजो की सामाजिक और ये धार्मिक और सब कुछ इसमें उपलब्ध है। मिजोरम के बारे में जितना जानकारी प्राप्त किया जा सकता है वो इस बुक्स में निहित है। और इनके अतिरिक्त उन्होंने राजभाषा महाविद्यालय में अस्थायी रूप से प्राचार्य बने। हिंदी प्रवीण को मिजोरम सरकार में बीए समकक्ष मान्यता दिलाने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका उन्होंने निभाई। इस तरह से सीकाम लोगों ने कई उल्लेखनीय मतलब कदम उठाए। उनके बारे में जितना हम लोग कहे वो कम ही है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इनकी एक कविता पढ़ना चाहूंगी। हारा हुआ पुरुषार्थ उनका एक कविता है। उन नींदी सांझ की प्रथम प्रहर से नीरत निस्तंब रात्रि को पार कर भोर के प्रथम किरण तक का एक लंबा सफर तय कर गया वे। वाह, कितनी बड़ी घटना इस शहर में अनजाने ही घटित हो गई। बाद में लोग बाग उसकी इस वीरता पर वाह वाह कर उठे, पर सभी वास्तविकता से कोसों दूर। इस संघर्षपूर्ण यात्रा की सफलता का राज तो बस इतना ही था कि उसने इच्छाओं के समुद्र में भावनाओं के नाव को कल्पना कि वे ये की तरह किनारे की ओर बढ़ाता कि छोड़ दिया था। इस तरह कविता भी ये बहुत अच्छे कवि भी है, बहुत अच्छे लेखक भी है, बहुत अच्छे इतिहासकार भी है। इस वजह से इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इस तरह से सलेथंग है और कई नामी लेखक है और ये प्रोफेसर सीई जीनी है जो ये केंद्र हिंदी संस्थान आगरा में प्रोफेसर के पद पर उनका ये क्या बोलते हैं पेंशन तक उन्होंने वहां पर कार्य किया और प्रोफेसर सीई जीनी ने भी कई ये रचना
रचना रची और उन्होंने मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत कक्षा 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण किया। असम राइफल्स के अधिकारियों के निवेदन से उन्होंने कक्षा प्रथम से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया प्रोफेसर सीई जीनी जो है उन्होंने। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 10वीं तक की हिंदी पाठ्यक्रमों का उन्होंने निर्माण किया। और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो 9 है और इनमें विश्व मतलब पूरे भारत में कई इनकी जो बुक्स है वो विख्यात है, जैसे कि चीन के का इतिहास उन्होंने लिखा और विश्व देशों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन केंद्र ए कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ मिजो एंड हिंदी सिंटेक्स ये जो किताबें हैं वो बड़ी विख्यात किताबें हैं और उनकी किताबों से हम लोग काफी सहायता मिले हैं। तो इस तरह से वी आर रालते का नाम मैं लेना चाहूंगी। वी आर रालते ने भी कई पुस्तकों का निर्माण किया और ये हिंदी नाटक अशोक का मिजो से उन्होंने अनुवाद किया और हिंदी नाटक एक कवच है उसका मिजो में उन्होंने अनुवाद किया। और इनकी जो अनेक पुस्तकें हैं अभी प्रकाशाधीन है, प्रकाश के लिए अभी मतलब प्रकाशाधीन है। तो इस तरह से अभी नए जो लेखक है उनमें जैसे मल सोमदोंग किमी है, डॉक्टर डेंग किमी है, डॉक्टर रिपिका लल मंगई है, डॉक्टर लल रिन किमी है, ये सब जो है नई नई जो लेखक लेखिका है डॉक्टर मुआन ओम है, वो लोग भी अभी प्रयासरत है और बहुत जल्द ही हिंदी की कई पुस्तकें जो है उपलब्ध होने की आशा करती हूँ। इतना ही धन्यवाद जी, बहुत विस्तार से और बिंदुवार एक व्यवस्थित जानकारी आपने हमें प्रदान की। वाकई इस वार्ता को यदि मिजोरम की हिंदी और भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब मैं आप दोनों विद्वानों से एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हिंदी तरभाषी प्रदेश के रूप में मिजोरम में हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर वहां की चुनौतियां और संभावनाएं, आप दोनों से ही ये प्रश्न है मेरा। मैं पहले डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा, वे इस पर अपनी बात रखें और उसके बाद डॉक्टर कैथी में रखें। जी पुनः प्रश्न की कड़ी में हमें समय भी संकेत कर रहा है और समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए हमें अपनी संक्षिप्तता की ओर बढ़ना पड़ेगा। अभी कैथी मैम ने जिस विस्तार से मिजो भाषाभाषी मिजोरम के स्थानीय रचनाकारों लेखकों की एक नामोल्लेख किया, निश्चित रूप से वो मिजोरम के भविष्य है, वर्तमान और भविष्य है। उनमें से कई वरिष्ठ लेखक हैं जिनमें सी कामलोवा जी का नाम कैथी मैम ने लिया और कैथी मैम के समकक्ष जो हिंदी में अध्यापन कर रहे हैं, करा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज में है, चाहे वो मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय में है, चाहे गवर्नमेंट कमला नगर कॉलेज में, हिंदी के जितने शिक्षक विद्यार्थी और अध्येता हैं वो मिजोरम के भविष्य हैं, वर्तमान और भविष्य हैं। इन्हीं में मिजोरम में हिंदी की संभावनाओं को तलाशे जाने की गुंजाइश है। यानी मिजोरम में यदि हिंदी की संभावनाएं यदि हम देखते हैं तो मिजोरम में हिंदी जो विद्यार्थी बीए से लेकर के पीएचडी तक कर रहा है उसमें भी हिंदी की संभावनाएं तलाशे जाने की पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। और जो वर्तमान में अध्यापनरत हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और जो लिख रहे हैं स्वतंत्र रूप से भी, छिटपुट लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, उनमें भी हिंदी की अपार संभावनाएं हैं। दो केंद्र हैं यहां पर, एक सीधे मिजो लिखने वाले, मिजो भाषा में साहित्य लिखने वाले हैं, एक वे भी हैं जो सीधे हिंदी में लिखते हैं, यानी मूलतः मिजोरम के हैं, मिजो भाषी हैं लेकिन सीधे हिंदी में कलम चलाते हैं, हिंदी में लेखनी चलाते हैं, जिनमें वरिष्ठ लेखक सी कामलोवा जी का नाम लिया और उनके पूरे अवदान को रेखांकित करते हुए कैथी मैम ने यह भी कहा कि 5वीं से 8वीं क्लास तक जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। तो ऐसे उल्लेखनीय योगदान जब अवदान
रेखांकित करने योग्य बनेंगे, तब जाके लगने लगता है, हमें महसूस होने लगता है कि हाँ मिजोरम में ये हिंदी का अतीत रहा, ये वर्तमान रहा, और भविष्य की ओर आपकी निगाहें जब जाएंगी तब ऐसे ही उल्लेखनीय काम भी हमारे आपकी हमारी और आपकी नज़र में आने लगते हैं, हिंदी समाज की नज़र में आने लगते हैं। अभी जो एक संक्षिप्त रूप से प्रश्न इस वार्ता में उपस्थित हुआ है कि हिंदी की संभावनाएं और चुनौतियां, तो हिंदी की चुनौतियों की यदि बात करते हैं तो चुनौतियां प्राथमिक स्तर से हिंदी प्रारंभ नहीं हो रही, लेकिन पांचवी क्लास से आठवीं क्लास तक हिंदी प्रारंभ है, लेकिन फिर नवी से बारहवीं तक का गैप आ गया, हिंदी अध्यापन पढ़ाई में नहीं आ रही। फिर उसके बाद में यूजी स्तर पर बीए स्तर पर हिंदी मात्र दो कॉलेजों में प्रारंभ है, एक गवर्नमेंट कॉलेज आइजॉल और एक कमलानगर में। मिजोरम विश्वविद्यालय का ये कॉलेज है पीयूसी, पचोंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसमें इस वर्ष से हिंदी खोलने की पहल हुई है, शायद अगले वर्ष से हिंदी वहां पर चलने लगेगी, यानी हिंदी बीए के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगी। तो जैसे एमए की पढ़ाई सिर्फ मिजोरम विश्वविद्यालय में होती है एमए और पीएचडी की, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर हिंदी की ये स्थिति है और विद्यालयी शिक्षा पर हिंदी की वो स्थिति है, इस दोनों के बीच का जो गैप है इसमें विस्तार लेने की गुंजाइश है, इसको समृद्ध करने की, इसको इस लकीर को आगे बढ़ाने की गुंजाइश है। यह प्रयास केंद्रीय स्तर से, राज्य स्तर से और स्थानीय स्तर से, तीनों स्तर के मिलने से सामूहिक प्रयास के नाते होगा। ये चुनौतियां हैं, ये तो अकादमिक चुनौतियां हैं कि विद्यार्थी किस तरह से अकादमिक क्षेत्र में विद्यालय से लेकर के और उच्च शिक्षा की ओर जब कदम बढ़ाता है तो हिंदी के रास्ते दरवाजे कहाँ कहाँ खुल सकते हैं। कॉलेजों में हिंदी खोली जानी चाहिए, विद्यालयों में जिस तरह हिंदी क्षेत्रों में, चाहे वो तीसरी भाषा के रूप में है, जैसे मैम ने कहा, कहती मैम ने कि द्वितीय भाषा के रूप में गुंजाइश बनती है, भविष्य में बन सकती है, तो इसी प्रकार से विद्यालयों में जो गैप आ रहा है, पांचवी से आठवीं तक हिंदी है लेकिन नवी से बारहवीं तक नहीं है, बीए में कॉलेज स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी नहीं है, वहां हिंदी खोले जाने की चुनौतियां हैं, वहां खोली जा सकती है, उससे हिंदी का क्षेत्र बढ़ेगा। ये कुछ कुछ चुनौतियां अकादमिक क्षेत्र में है। इसके दसवीं में बोर्ड में, दसवीं कक्षा में बोर्ड में जो हिंदी वहां अभी जुड़ी हुई नहीं है, ये भी एक बिल्कुल नवी और दसवीं में वहां नहीं है, ग्यारहवीं बारहवीं में वो ऐच्छिक वाला जो विषय कैथी मैम ने लिया वो है। तो इस तरह से अकादमिक क्षेत्र में, विद्यालय क्षेत्र में हिंदी की स्थिति है, वहां पर ये आपके सामने जो कह सकते हैं कि जो कारगर बिंदु है जहां पर हिंदी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जब नींव से, शुरुआत से विद्यालय से विद्यार्थी हिंदी के प्रति उत्सुक होंगे, सीखने की ललक बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से फिर उच्च शिक्षा में भी उनके आयाम बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा की स्थिति के बारे में, जो दो कॉलेजों में हिंदी है, अभी तीसरे कॉलेज में हिंदी खुलेगी, तो कोशिश यह भी होनी चाहिए कि मिजोरम के अन्य कॉलेजों में यूजी स्तर पर, बीए स्तर पर हिंदी विषय को खोला जाए। इसी के साथ एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने का मन कर रहा है कि अभी मिजोरम में कुल 11 जिले हैं, उसमें से आइजॉल में जहां हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है वो एक जिला तो है आइजॉल, जहां पे मिजोरम विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट आइजॉल कॉलेज है, पीयूसी में भी हिंदी खुल जाएगी, लेकिन बाकी के 10 जिलों में से सिर्फ एक जिला है जहां पे कमला नगर में गवर्नमेंट आइजॉल कॉलेज है। कैथी मैम मुझे लगता है उस बात को पुष्ट करेंगी, बाकी के जो अन्य जिले हैं 9 जिले, वहां पर हिंदी की उच्च शिक्षा में स्थिति मुझे लगता है कि अभी नेके बराबर है। विद्यालयों की स्थिति वहां हो सकती है, लेकिन उच्च शिक्षा के दो ही अभी केंद्र हैं, एक तो राजधानी और एक कमलानगर में हिंदी चलती है उच्च शिक्षा के स्तर पर। यहाँ पे मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, वो भी आइजॉल में है, गवर्नमेंट आइजॉल कॉलेज भी है और मिजोरम विश्वविद्यालय भी है, और पीयूसी भी आइजॉल में है जहां पर निकट भविष्य में हिंदी खुलेगी। यानी कुल 11 जिलों में 2 जिलों में भी हिंदी की उच्च शिक्षा को लेकर के अध्ययन अध्यापन हो रहा है। विद्यालय स्तर पर यदि मजबूत होते हैं तो जो कॉलेज यहाँ मिजोरम में है वहां अगर हिंदी खुलती है तो अकादमिक रूप से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। ये कुछ बिंदु हैं अकादमिक दृष्टि से, लेकिन इसके साथ साथ ही जिन संभावनाओं और जिन चुनौतियों की हम बात करते हैं, तो चुनौतियां जब होती हैं तभी जाके हमारे सामने, अगर हमारे सामने किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में चुनौतियां नहीं हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए कमर नहीं कसते हैं,
जहां चुनौतियां होती हैं वहीं संभावनाओं का आकाश तलाशा जाता है, निखारा जाता है, परिष्कृत किया जाता है। तो संभावनाएं विशाल है हिंदी के क्षेत्र में, यह तो अकादमिक क्षेत्र है। हमने दूसरी तरफ भी पिछले प्रश्न के उत्तर में ध्यान आकृष्ट किया था कि वहां पर सृजनात्मक लेखन की, मिजोरम में सृजनात्मक लेखन की अपार संभावनाएं हैं। जहां हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्वोत्तर भारत का हिंदी साहित्य अछूता रह जाता है, पूरे हिंदी साहित्य के परिदृश्य में क्या नहीं होना चाहिए, क्या यह नहीं होना चाहिए कि मिजोरम के पूर्वोत्तर भारत के, भारत के पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर से आने वाले मिजोरम से भी हिंदी लेखक की उपस्थिति हिंदी साहित्य में, हिंदी समाज में होने लगे या होने लगने की संभावना दिखे, चाहे वो गद्य का क्षेत्र हो या साहित्य की किसी भी विधा का क्षेत्र हो। सृजनात्मक लेखन के तमाम जो आयाम हैं, बिंदु हैं, वो मिजोरम में तलाशे जाने की अपार संभावनाएं हैं। बस यहाँ के जो हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले स्थानीय जो लोग हैं वो हिंदी में अपनी कलम चल तो रही है लेकिन उसको निरंतर या जहां जहां चलाने की उनकी हृदय की उत्कट लालसा है, अभिलाषा है, वहां उनकी हिंदी की जब कलम चलने लगेगी तो हिंदी साहित्य में, हिंदी की विधाओं में, हिंदी साहित्य की विधाओं में उनकी रचनाएं जब छटपुट रूप से शामिल होने लगेंगी, आलेख रूप में, शोध आलेख रूप में, रचनात्मक लेखन के विभिन्न पड़ावों में, तब निश्चित रूप से हिंदी न केवल अकादमिक रूप से बल्कि रचनात्मक क्षेत्र में भी हिंदी समाज के सामने, हिंदी साहित्य के सामने, हिंदी पाठक के सामने मिजोरम की कलम दस्तक देने लगेगी और वह मिजोरम की उपस्थिति निश्चित रूप से कही जाएगी। कई बिंदुओं की तरफ हम ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसमें, इस चर्चा में कैथी मैम को भी शामिल करना चाहिए। वो इस बात पे और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगी कि हिंदी की चुनौती और मिजोरम में हिंदी की विशेषकर चुनौतियां और संभावनाओं पर उनका भी मंतव्य उल्लेखनीय होगा क्योंकि वो यहाँ की स्थानीय है। पाठक जी उनसे संवाद करेंगे। बिल्कुल, एक हिंदीतर भाषी क्षेत्र से डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी वहाँ क्या अनुभव करते हैं कि क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं हैं, वहीं मिजोरम में रहने वाली डॉक्टर कैथी मैम किस तरह से अनुभव करती हैं कि वहाँ हिंदी को लेकर क्या चुनौती और संभावनाएं, हम दोनों का रुख जानना चाहते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर कैथी मैम को आमंत्रित करूंगा, वे बताएं मिजोरम में लेकर हिंदी की चुनौतियां, सीमाएं और संभावनाएं। ये सबसे मेन बात, सबसे मुख्य बात चुनौतियां एवं जो संभावनाएं हैं, उससे कहने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हर चीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसे के होते हैं। और जैसे कि मिजोरम में जो शिक्षक और अध्यापक लोग है वो अधिकांश जो है वो CSS के अंदर है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, उसके अंदर है काम करते। और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है, जिस दिन सेंट्रल केंद्र सरकार वो स्कीम खत्म करेंगे तो उनको नौकरी गई, तो उनकी नौकरी, जैसे कि 10-10, 12-12 साल तक जो हिंदी का प्रचार, मतलब हिंदी के अध्यापक का कार्य कर रहे हैं, वो कुछ सालों बाद उनका फिर उनको अपने पद से फिर हाथ धोना पड़ता है। फिर स्कीम की शुरुआत हुई, फिर नए नए लोगों को फिर ले लिया, और पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर भी काफी होता है। तो एक तरह से यहाँ पर समस्या ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो मिलके इस समस्या को सुलझाने का, मतलब प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी की, क्योंकि जब पहले 2000 वर्ष के समय जब यहाँ पर हिंदी CSS के अंतर्गत ही सही हिंदी टीचर्स को जब यहाँ पर लिया गया, तब काफी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि कई लोग सरकारी नौकरी को पाने के लिए कई लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। और
फिर उसके बाद कई लोगों को सरकारी नौकरी भी मिली। फिर उसके बाद से फिर एकदम से सरकारी नौकरी जो है हिंदी अध्यापक के रूप में या हिंदी में जो सरकारी नौकरी है वो बिल्कुल भी फिर एक बार भी अब तक दोबारा से नहीं लिया। तो लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई कि यदि मैंने हिंदी पढ़ा तो मुझे कोई सरकारी नौकरी मिलेंगे नहीं, तो मैं हिंदी क्यों पढ़ू। तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगी कि ये राज्य सरकार और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सरकार जो है वो दोनों मिलकर इस CSS स्कीम को और भी क्या है स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ कदम मतलब उठाए तो हिंदी के प्रचार प्रसार में और भी मतलब तेजी आएंगे। और आज हम लोगों ने हिंदी दिवस आज हम लोगों ने मनाए तो वहां पर भी जो मिजो हिंदी विद्यार्थी संघ है वहां से यही आवाज उठाई गई कि प्राइमरी लेवल में भी यानी प्राथमिक विद्यालयों में भी हिंदी टीचर जो है उसकी हम मांग करते हैं। क्योंकि मिजोरम में क्या है क्लास फिफ्थ से हिंदी अनिवार्य रूप से आठवीं तक है और प्राइमरी लेवल में या प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। यदि हिंदी को प्राइमरी लेवल से पढ़ाया जाए तो हमारे बच्चे जो है हमारे जो विद्यार्थी लोग है वो हिंदी के प्रति लगाव जो है वो बचपन में यदि उनके दिमाग में हम लोग नहीं डालेंगे तो वो जब वो फिफ्थ सेवन एट के बाद तो यहाँ पर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बचपन में उनके प्रति ये हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है और राष्ट्र एकीकरण के लिए हमें हिंदी की आवश्यकता है। इस चीज को हिंदी की जो महत्व है हिंदी की जो देवनागरी की जो वैज्ञानिकता है उनके दिमाग में यदि डाला जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संभावनाएं हो सकती है मिजोरम में। लेकिन इस वक्त क्लास वन से मतलब ये फिफ्थ तक तो नहीं फोर्थ तक तो एक भी हिंदी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। और जैसे मैंने पहले इंगित किया था मैंने कहा था कि यदि नाइन टेन में जो हिंदी नाम मात्र से रखा गया है और कुछ कुछ लोग तो टेन में पढ़ाते ही नहीं कुछ कुछ स्कूलों में जिससे कि विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों में क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो पेपर ये परीक्षा उस पेपर में नहीं दी जाती तो मतलब कि उस विषय को वो लोग पढ़ा के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते समय बर्बाद करना नहीं चाहते। उससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ा लें हम अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ा लें तो अच्छे नंबरों से पास होंगे और हमारे जो स्कूल है उसका नाम रोशन करेंगे। तो प्राइवेट स्कूलों में यदि ये क्या बोलते हैं हिंदी को यदि नाइन और टेन में अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए तो बहुत बड़ी संभावना हिंदी के लिए हो सकता है। तो मैं पॉइंट के रूप में मैं कहना चाहूंगी केंद्र एवं राज्य सरकार को चाहिए कि वे हिंदी को कामकाजी भाषा बनाने के लिए ठोस योजना हेतु भविष्य में विचारार्थ कुछ बिंदु जो है वो हो सकते हैं वो मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नंबर वन है हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी के अधिक से अधिक रोजगार सृजन करें और दूसरा है हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी में काम करने वाले अध्ययन एवं अध्यापन करने वाले को प्रोत्साहन और राष्ट्र सम्मान आदि प्रदान किया जाए तो कुछ संभव हो सकता है। और नंबर थ्री है
तीसरे नंबर में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में छोटी मोटी तकनीकी विषयों की पढ़ाई लिखाई हिंदी माध्यम में करवाने की योजना बनाई जाए, और चौथा है मिजोरम राज्यों में से हिंदी भाषी राज्यों में जाकर किसी भी विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जैसे कि मिजोरम से हिंदी पढ़ने के लिए जैसे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में कोई बच्चे पढ़े तो उसको कुछ विशेष जो है आर्थिक सहायता जो है वो भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों मिलकर उस बच्चे को प्रदान करें। जैसे कि हम वनस्थली के पढ़े हुए हैं, वनस्थली में जो जिन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया है या हिंदी में पीएचडी किया है या मिजोरम यूनिवर्सिटी में भी जिन मिजो विद्यार्थियों ने हिंदी में एमए किया हिंदी में पीएचडी किया है उनको कुछ आर्थिक सहायता मतलब दें तो और भी प्रोत्साहित होंगे। मतलब मेरे विचार है ये और हिंदी के उत्थान विकास और प्रचार प्रसार है तो राज्य सरकारों सरकार को पर्याप्त निधि उपलब्ध केंद्र सरकार कराए, जैसे कि केंद्र सरकार भी कई प्रयोजन कई प्रावधान केंद्र सरकार में है हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु, तो उसमें जो जैसे कि मिजोरम है ये पूर्वोत्तर राज्यों में मैं कहना चाहूंगी कि मिजोरम ही एक ऐसा जगह स्थान है जहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हमारा लोकल लैंग्वेज जो है वो कॉमन लैंग्वेज है, जैसे कि असम में तो कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, नागा में भी कॉमन वो नागमी से असमी नागमी से सब हिंदी से की वो एक तरह से बोलियां कही जा सकती। तो मिजोरम ही एक ऐसा स्थान है जहां पर हिंदी से मिजो भाषा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब कोई संबंध नहीं है उनमें, जैसे कि हिंदी और असमीज में तो बहुत संबंध है, हिंदी और नागमीज में बहुत संबंध है, हिंदी और नेपाली में बहुत संबंध है, लेकिन हिंदी और मिजो में कोई संबंध नहीं, बहुत दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं। तो ये सब जो है वो मिजोरम सरकार और केंद्र सरकार दोनों यदि ये सब ठोस कदम उठाए तो इसके लिए विचार रात है मेरे ख्याल से, और भावी पीढ़ी के मार्गदर्शन और सुझाव है तो कुछ बिंदु मैंने मैं इस आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न में के उत्तर में देना चाहूंगी और फिर उसी के साथ मैं अपना ये उत्तर खत्म करूंगी जी। तो नंबर वन है मिजोरम में जैसे जैसे संचार और परिवहन का विकास होगा वैसे वैसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, हिंदी में जिसमें हिंदी जनमानस तक पहुंचने और जनमानस को हिंदी तक पहुंचने में अधिक कामयाबी हासिल होंगी। हम सब जानते हैं यहाँ पर परिवहन का जो समस्या है वो बहुत बहुत बड़ी समस्या है, उस वजह से हम गांव-गांव में भी जा नहीं सक पाते हैं हिंदी की प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे कि कमला नगर कॉलेज में जाने के लिए कितनी रास्ता खराब रास्ता का वो करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति मिजोरम की है। और नंबर टू में राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में हिंदी और मिजो दोनों भाषाओं का पर्याप्त विकास होगा और रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। नंबर थ्री अधिक से अधिक संख्या में केंद्र कार्यालयों की स्थापना से भी हिंदी की दिशा उज्जवल होने की गुंजाइश महसूस करती हूँ मैं, अधिक से अधिक केंद्र कार्यालय जो है वो मिजोरम में, और राज्य सरकार के हिंदी प्रयास से धीरे धीरे मिजोरम वासी राष्ट्र की मुख धारा से जुड़ने लगे हैं, परंतु इस प्रयास को तेजी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार अपनी नई और नवीन योजनाओं से इस प्रयास को निष्पादित करने में राज्य सरकार को सहायता कर सकती है, जैसा कि मिजो बौद्धिक वर्ग की
अपेक्षा भी है। और नंबर 5 है, भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में हिंदी ने मिजोरम में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है जो आगे चलकर और ठोस रूप ले सकती है। और नंबर 6 में, हिंदी राष्ट्र एकता की संवाहिका है, मिजोरम में राष्ट्र एकता को मजबूती से स्थापना के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार और उन्नयन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना अति आवश्यक है। इतने के साथ मैं अपना उत्तर जो है वो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत आभार मैम। आप दोनों मनीषियों ने यहाँ पर मिजोरम में हिंदी की सीमा संभावना उनके और बताया, बल्कि उन चुनौतियों के निराकरण की और उन संभावनाओं को पूरा करने की एक राह भी और संकेत भी यहाँ दिखाए। मिजोरम में हिंदी को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में रही हैं और अभी भी हैं, पर समय का एक अपना नियम है, उसका बंधन है, तो मैं चाहूंगा फिर कभी इसी मंच पर हम इस वार्ता को आगे बढ़ाएं और जो बातें आज की वार्ता में रही उन्हें फिर कभी पूरा करें। फिल वक्त में आज की वार्ता में इस महत्वपूर्ण विषय पर मिजोरम में हिंदी, आप दोनों का समय और विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करने के लिए दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जन सरोकार मंच का विशेष रूप से जो जिन्होंने इस वार्ता को साकार करने में एक मंच की और एक सेतु की भूमिका निभाई है, और हमें सुन रहे सभी दर्शकों का आभार। जी डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। जो अंत में धन्यवाद ज्ञापन से पहले एक बात जो मेरे ध्यान में अभी आई है, जिसकी तरफ कहती मैम ने इशारा किया कि मिजोरम से एक बड़ी संख्या में महिलाएं छात्राएं कक्षा 5वीं से लेके और पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए राजस्थान में विद्या वनस्थली विद्यापीठ में जाती हैं। ये अच्छा उपक्रम है, देश के अन्य हिस्सों में भी मिजोरम के विद्यार्थी ऐसे पढ़ने जाएंगे तो एक राह यह भी खुलेगी। और दूसरा ये, हिंदी के जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें हिंदी के अध्ययन अध्यापन लेखन के अलावा कुछ और कौशल हैं, जैसे हमारे हिंदी शिक्षकीय जीवन के अनुभवों की बात की, वहां से उल्लेख पुनः याद आ रहा है कि वहां कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बांसुरी बजाने में बहुत सिद्धस्थ हैं। आप संगीत के साधक हैं, आप स्वयं संगीत के साधक हैं तो जान सकते हैं कि जो विद्यार्थी हिंदी के साथ साथ अन्य कलाओं में भी दखल रखता है, तो कुछ बांसुरी वादक हैं, कुछ इतने अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे जिनके कंठ में मांसार्द विराजमान हैं, ऐसे गायक गायिकाएं भी हैं। एक छोटी सी 8 साल की मिजोरम की बालिका है, कहती मैं उन्हें जानती हैं, वो देशभक्ति के गाने यूट्यूब के चैनल पर जब देती है तो पूरा देश आत्ममुग्ध होकर के उसे सुनता है। ये बात थी जो मुझे बीच में मुझे जोड़नी पड़ी, आप अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, एक और बात यहाँ मुझे याद आती है जो वार्ता के बीच में आ भी गई थी पर यहाँ फिर से दोहराना चाहूंगा, अनुवाद को लेकर। जिस तरह से आप वहां पर हैं तो आप भी एक सेतु का काम इस रूप में अनुवाद के कार्य को लेकर कर सकते हैं, तो इसकी भी संभावनाएं बनती है कि मिजोरम से हिंदी के बीच एक सेतु अनुवाद के माध्यम से इस रूप में निरंतर बना रहे। और एक बात पुनः, आप दोनों ने इस महत्वपूर्ण वार्ता के लिए समय दिया, जनसरोकार मंच जिसने मंच दिया, और दर्शक और श्रोतागण जिन्होंने हमें सुना, सभी का आभार धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी मंच पर किसी और नई विषय के साथ, नई वार्ता के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।